हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं टेकी स्टफ। आप सभी लोगों का हमारे डेली टेक के एक और नए एपिसोड में यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में आप लोगों को बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना और एंजॉय करना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो शुरुआत करते हैं पहली न्यूज के साथ में, जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की तरफ से। और बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जो है, इसका अर्ली एक्सेस प्ले स्टोर पे जो है वो अवेलेबल हो चुका था। और यहाँ पे जितने भी लोगों ने बीटा टेस्टिंग के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था, उन लोगों को जो है वो ये गेम अर्ली एक्सेस के लिए यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए जो है वो मिल चुका था। और अभी के लिए जो है वो इसका बीटा टेस्टिंग जो है वो बंद कर दिया गया है। और जितने भी लोगों ने इसको डाउनलोड कर दिया है, उन्होंने अपने जो है वो फर्स्ट इंप्रेशंस वगैरह और स्क्रीनशॉट्स जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट या फिर यूट्यूब चैनल पे जो है वो यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। और यहाँ पे जो है वो आप लोगों को सेम टू सेम पबजी मोबाइल जैसा यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ तक कि आप लोगों को मैप्स भी जो है वो सिमिलर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और मोड्स भी जो है वो आप लोगों को एग्जैक्ट पबजी मोबाइल की तरह से यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जो है वो और कौन से अपडेट्स के साथ में हमें कौन सी नई चीजें जो है वो इस गेम में यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और इस अर्ली एक्सेस के चलते जो है वो हमें यहाँ पे ऐसे पता चल रहा है कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया आप लोगों को बहुत ही जल्दी जो है वो इंडिया में ऑफिशियली यहाँ पे जो है वो डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि आप लोगों को यहाँ पे OnePlus की तरफ से देखने को मिल जाती है। और OnePlus ने जो है वो अपनी एक नई जर्नी की स्टार्ट यहाँ पे कर दी है, जहाँ पे उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो Oppo ब्रांड के साथ में वापस से जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया है। और उनके जो है वो कुछ अच्छे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के चलते उन्होंने ये जो है वो इंटीग्रेशन यहाँ पे करने का डिसीजन जो है वो ले लिया है। और उनके मुताबिक जो है वो ऐसे पता चल रहा है कि इनके साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन करने से उनके रिसोर्सेस वगैरह जो है वो ये लोग यूज करके बेटर प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए जो है उन्होंने ये इंटीग्रेशन का जो है वो डिसीजन यहाँ पे ले लिया है। तो देखते हैं यहाँ पे फ्यूचर में जो है वो हमें OnePlus और Oppo की तरफ से जो है वो कौन से अच्छे बेटर प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और आप लोगों को इस इंटीग्रेशन के बारे में यहाँ पे क्या लगता है, आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं Realme की तरफ, और Realme के जो अपकमिंग प्रोडक्ट लॉन्चेस की डेट है वो यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। और 24th ऑफ जून को आप लोगों को Realme की तरफ से Realme Narzo 30, Realme Narzo 30 5G, इसी के साथ में Realme का एक 32 इंचेस का स्मार्ट टीवी और पॉसिबली आप लोगों को Realme Buds Q2 भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन से इंटरेस्टिंग जो है वो स्पेसिफिकेशंस के साथ में ये प्रोडक्ट्स हमें इंडिया में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो Realme Buds Q2 के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि इनमें से कौन से प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए आप लोग जो है वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पे है, आप मुझे जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पे Dizo Tech Life की तरफ, जो कि आप लोगों को Realme Tech Life का यहाँ पे जो है एक सब ब्रांड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इन्होंने जो है वो Flipkart के साथ में यहाँ पे पार्टनरशिप कर ली है, ताकि उनके अपकमिंग जितने भी प्रोडक्ट लॉन्चेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो एक्सक्लूसिवली जो है वो Flipkart पे ही आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली Dizo Tech Life का जो फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च आप लोगों को देखने को मिलेगा वो जो है वो नेक्स्ट मंथ में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन से इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो Dizo Tech Life के अंडर हमें इंडिया में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि आप लोगों को यहाँ पे Jio की तरफ से देखने को मिल जाती है। और Jio ब्रांडिंग के अंडर एक नया जो है वो फास्ट चार्जर 30 वॉट्स का इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे जो है वो लिस्ट हो चुका है। और इसके बारे में मुकुल शर्मा ने जो है वो हमें ट्वीट करके यहाँ पे बता दिया था। इसका मतलब है कि Jio जो है वो अपने अपकमिंग प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे जो है वो काम कर रहा है। और Jio की तरफ से आप लोगों को बहुत ही जल्दी एक स्मार्टफोन या फिर फीचर फोन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे कितनी जल्दी Jio जो है वो अपने इस फोन को इंडिया में लॉन्च करता है। और इस बार जो है वो क्या हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा या फिर फीचर फोन, ये तो हमें थोड़े ही दिन में यहाँ पे पता चल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज की तरफ, जो कि आप लोगों को काफी एक्साइटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और माधव सेठ ने जो है वो अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे हिंट्स देना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और उन्होंने जो है वो Realme के एक नए स्मार्टफोन से एक फोटो कैप्चर करके यहाँ पे बता दिया है कि Realme के अपकमिंग ऑडियो प्रोडक्ट्स
और Realme का एक नया स्मार्टफोन जो है वो आप लोगों को बहुत ही जल्दी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस फोटो में इसका मॉडल नंबर देखेंगे तो RMX3366 यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि Realme X9 Pro का आप लोगों को मॉडल नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से Realme X9 Pro आप लोगों को बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिलेगा और Realme Buds जो है उनके भी आप लोगों को कुछ नए मॉडल्स यहाँ पे इंडिया में बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली Realme Q2 आप लोगों को 24th ऑफ जून को इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन से इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स जो है वो Realme इंडिया में लॉन्च करता है और कितने जल्दी जो है वो हमें ये प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इसे अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसे ही टेक रिलेटेड लेटेस्ट और अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन यहां पे देखने को मिलनी चाहिए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।